शांति, पवित्रता, ब्रह्मचर्य और स्वर्ग की स्थापना अर्थात स्वर्ग की राजधानी की स्थापना। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाकर धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं। कलयुग के अंत में प्रायः सभी देशों में प्रजातंत्र अर्थात प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब परमात्मा आकर दैवी राज्य की स्थापना करते हैं। दुनिया में तो राज्य की स्थापना के लिए अनेक प्रकार के रक्तपात होते हैं, परंतु परमात्मा जिस राज्य की स्थापना करते हैं वह किसी हिंसक लड़ाई या रक्तपात से नहीं स्थापन होती, वह राज्यों की पढ़ाई से स्थापन होती है, अर्थात वह योग बल अर्थात पवित्रता के बल पर स्थापन होती है। जो आत्माएं राज्यों का अभ्यास कर पवित्र बनती है और अपने तन मन धन से परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य में सहयोगी बनती है और राज्यों के सतत अभ्यास के कर्मेंद्रियों के राजा बनती है, वे ही सतयुगी और त्रेतायुगी राजाई में उच्च पद पाती है। परंतु सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही पद पाते हैं। जो आत्माएं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सृष्टि चक्र के ज्ञान को धारण कर अन्य आत्माओं की सेवा करती है, वे आत्माएं ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी त्याग तपस्या सेवा के फलस्वरूप सतयुग का राजभाग प्राप्त करती है अर्थात राजा बनती है। बाबा ने कहा है, द्वापर कलयुग में राजा स्थूल धन का दान करने से बनते हैं और सतयुग त्रेता के राजाएं इस राजयोग की पढ़ाई और अविनाशी ज्ञान रत्नों के दान करने से बनते हैं। ये विशेष बुद्धि में धारण करने की बात है कि दैवी दुनिया में राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक के ही हाथ में होती है, उसके लिए ज्ञान और योग दोनों की धारणा से होती है। ज्ञान योग की धारणा कर जो जितना पवित्र बनते हैं वे उतना ही सेवा में सफल होते हैं अर्थात उतनी ही उनकी प्रजा बनती है। 21 सितंबर 2011 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। बाबा कहते, एक बार भी काम विकार में गिरा तो ऐसे नहीं कि फिर राजा ही पद पा लेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, अर्थात एकदम चंडाल बन पड़ते, हड्डगुड़ टूट पड़ते हैं। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है। ये है सारी ज्ञान की बात। इस सभा में किसी पतित को बैठने का हुक्म नहीं है। 23 अप्रैल 2012 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। बाबा कहते, पतित अक्षर विकार पर ही कहा जाता है। सतयुग में वॉइसलेस वर्ल्ड थी, ये है विशेष वर्ल्ड। सभी पतित विकारी है। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी है, ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सज्जे नहीं है वे फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे। हर एक की चलन से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या पद पाएंगे। 28 अप्रैल 2012 साकार रिवाइज महावाक्य। बाप दादा कहते, तुमको काम विकार पर जीत पानी है। मातेले और सौतेले बच्चे भी है। मातेले कब विकार में नहीं जा सकते। देवताओं की महिमा और शिव बाबा की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत इच्छित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। 21 अप्रैल 2012 के साकार मुरली। बाबा कहते, तुम योगी हो, विकार में जाने से एकदम नाम बदनाम कर देते हो। बाप समझाते हैं, बच्चे योग में रहना है। जो अच्छे योगी होते हैं वे 4-5 दिन भी भोजन न खाए तो भी उनको परवाह नहीं रहती, बहुत खुशी में रहते हैं। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बाजी है। अपनी आप ही जांच करनी चाहिए कि हम राजाई लेने के लायक बना हूं। 30 अगस्त 2011 साकार मुरली। बाबा कहते, भले लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि आत्माभिमानी थे, फिर देहाभिमानी बने, वहां भी देहभान तो रहता है।
ज्ञान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। बाप कहते हैं, इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे बाप से ये ज्ञान सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 23 जून 2011 की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि वह पुरानी दुनिया में ही आते हैं। अभी बाप कहते हैं, तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान पतित बन गए हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है, तभी तुम पावन सतो प्रधान दुनिया में चल सकेंगे। फिर 31 मई 2011 की साकार मुरली के रिवाइज महावाक्य। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, हमारी राजाई थी। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर कैसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिल न सके। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्माजीत बनेंगे। 19 अप्रैल 2011 साकार मुरली रिवाइज महावाक्य। बाप अपने को बचाने के लिए युक्तियां तो बहुत बताते हैं। तुम कह सकती हो, भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, पवित्र बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बोलो, क्या हम भगवान की नहीं माने? हर एक को युक्ति से अपने को बचाना है। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? वहां राजा के लिए लड़ते हैं, यहाँ तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। 7 फरवरी 2011 साकार रिवाइज महावाक्य। बाप पतित दुनिया पतित शरीर में आकर सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है, विष पीना छोड़ते नहीं है, वे स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना बाप का ही काम है। बाप एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। 5 फरवरी 2011 साकार मुरली के रिवाइज महावाक्य। सत्ययुग में बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं, इसलिए उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। अब बाप कहते हैं, तुम पवित्र बनो, ये पतित दुनिया खलास होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, वे ही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। सत्ययुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, देवी देवताओं का राज्य होता है। देवी देवताएं कभी विकार से पैदा नहीं होते हैं। अभी 28 अगस्त 2010 के रिवाइज महावाक्य साकार मुरली के। इस एक जन्म पवित्र रहने और बाप को याद करने से तुम भविष्य 21 जन्म पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये ड्रामा राम राज्य और रावण राज्य का खेल है। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख होता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है परमपिता परमात्मा, उसमें सुख घनेरे होते हैं। 19 अगस्त 2010 साकार मुरली। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। ऐसे भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन 5 पैसे का पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने तो कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे। फिर 3 जुलाई 2010 साकार मुरली। अब कहते हैं, मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर ही जाना है। वहां सब पवित्र रहते हैं। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, परंतु फिर भी नाटक में पार्ट तो नंबर वार है। कोई महाराजा, कोई दास दासी और कोई प्रजा भी बनते हैं। सभी पुरुषार्थ अनुसार ही नंबर वार पद पाते हैं। फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़े। ड्रामा में सबको नंबर वार पार्ट मिला हुआ है। ये बना बनाया ड्रामा है। भी 15 नवंबर 2009 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। चेक करो, अभी स्वराज्य है, स्वराज्य में माया दखल तो नहीं करती है। भविष्य की विशेषता है कि एक राज्य और एक धर्म की। धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है?
संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो, एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अर्थात अपवित्रता का दखल तो नहीं देता है। साथ में ये भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल तो नहीं करती है। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:45 बजे। ओम शांति।